नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं डायबिटीज यानी कि शुगर। दोस्तों, देखा जाता है आज डायबिटीज या शुगर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज डायबिटीज रोग से पीड़ित है। आज हम किसी भी एज की बात करें, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति की बात करें, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, ये बीमारी आज बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, देखा जाता है शुगर दो तरह की मानी जाती है, एक फास्टिंग और एक पीपी, यानी कि एक खाली पेट हम चेक कराते हैं और एक खाने के दो घंटे के बाद चेक कराते हैं। खाली पेट को हम फास्टिंग बोलते हैं और खाने के दो घंटे बाद जो हम चेक कराते हैं उसको पीपी, पीपी मीन्स पोस्ट प्रैंडियल। देखा जाता है जो फास्टिंग डायबिटीज है वो 70 से 110 आनी चाहिए और जो खाने के दो घंटे बाद हम पीपी कराते हैं, पोस्ट प्रैंडियल डायबिटीज चेक कराते हैं, तो वो 110 से 140 के बीच में आनी चाहिए। और दोस्तों, जब फास्टिंग 160, 170 या पीपी जो पोस्ट प्रैंडियल डायबिटीज हम चेक कराते हैं वो 200, 250 या उससे अधिक आती है, तो कहा जाता है कि इनको डायबिटीज हो गई है। उसके लिए डॉक्टर हमें दवाइयां देते हैं और हम बहुत दिनों तक दवाइयां खाते हैं। जब तक दवाइयां खाई जाती हैं तो डायबिटीज कंट्रोल रहती है, और अगर कुछ कारणवश कुछ दिनों के लिए दवाइयां छूट जाती हैं तो वो वापस बढ़ जाती है, या किसी को अगर डायबिटीज ज्यादा हो जाती है तो उसको इंसुलिन लेने के लिए कहा जाता है। इंसुलिन, दोस्तों, देखा जाता है कि जब भी डायबिटीज होती है तो हमारे शरीर में ग्लैंड होता है जिसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। जब पैनक्रियास ग्लैंड इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बना रहा होता तो कहा जाता है कि डायबिटीज हो गई, यानी कि उसके बॉडी में ब्लड की मात्रा ज्यादा हो गई है, जो कि ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। तो दोस्तों, डायबिटीज क्या है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण है, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यह कार्बोहाइड्रेट या मेटाबॉलिज्म की एक दीर्घकालीन बीमारी है, यानी काफी लंबे समय से रहने वाली बीमारी है, जिसके कारण ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इसे हम इंसुलिन की कमी से आया हुआ मानते, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। हमारे शरीर में, जैसा मैंने बताया, पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, वो इंसुलिन नाम का हार्मोन बना रही होती है। जब किसी कारण से पैनक्रियाज अपना फंक्शन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से इंसुलिन हार्मोन ठीक प्रकार से नहीं बन रहा है, और उसी के कारण से हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और जब हम चेक कराते हैं तो पता चलता है कि शुगर हो गई ही है। उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दवाइयां दी जाती हैं, इंसुलिन लेने की सलाह दी जाती है, और इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज के कुछ लक्षण है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि रक्त में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना। अगर बॉडी में ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। और दूसरा होता है ग्लाइकोसूरिया, यानी कि पेशाब में, यूरिन में शुगर आना। आपने दोस्तों देखा होगा कि अगर कहीं पर खुले स्थान पर पेशाब करना पड़ जाता है तो कई बार वहां पर चींटियां आ जाती हैं, तो उसमें कहा जाता है कि इसको यूरिन में शुगर आ रहा है, इसको डायबिटीज हो गई है। पॉलीडिप्सिया यानी कि प्यास का ज्यादा लगना, जिसको भी डायबिटीज होती है दोस्तों, ऐसे लोगों को बहुत प्यास लगती है, हर मिनट मिनट में पानी पीने का मन करता है, गला सूख जाता है, तो इसको हम पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। एक होता है पॉलीफेगिया, यानी ज्यादा खाने का मन करता है, बार बार भूख लगती है, और दोस्तों कहा जाता है कि डायबिटीज वाले व्यक्ति को ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहना होता, हर घंटे डेढ़ घंटे के अंतर से कुछ खा लेना चाहिए। आपने देखा होगा जिसको डायबिटीज होती है वो जब सुबह दवाई खाता है तो उसको दवाई लेने के बाद कुछ खाने के लिए कहा जाता है, और किसी कारणवश अगर वो दवाई तो खा ली और उसने उल्टी कर दी या खाना खाना भूल गया तो उसका जो शुगर लेवल है वो एकदम डाउन चला जाता है, और उसके कारण से उसको बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज वाले रोगी को हर कुछ समय के बाद, घंटे दो घंटे के बाद, थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज होती है ऐसे लोगों को देखा जाता है कि फोड़े, घाव, जख्म अगर हो जाए तो वो जल्दी से नहीं भरते, और जो जांग है, जननेन्द्रिया वाला जो पार्ट्स है, जहां ग्रोइन एरिया है, अगर यहां पर इचिंग शुरू हो जाती है तो वो बहुत दर्दनाक होती है एक तरीके से, और बहुत ज्यादा इचिंग हो जाती है, उसकी वजह से व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। कुछ लोगों का वजन निरंतर कम हो रहा होता है,
खाना प्रॉपर खा रहा है, डाइट प्रॉपर ले रहा है, लेकिन डायबिटीज के कारण से उसका वजन निरंतर कम हो रहा होता है। व्यक्ति बहुत परेशान हो चुका होता है, वो कहता है कि मेरा 10 किलो वजन कम हो गया, मेरा 12 वजन कम हो गया। और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा थकावट रहती है, थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ा सा पैदल चल लिया, व्यक्ति बहुत ज्यादा थक जाता है। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है और आप बहुत परेशान हैं, तो आज मैं आपको एक छोटा सा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। अगर आप ये अपने घर पर करेंगे, साथ में कुछ सावधानी रखेंगे, जिनको भी डायबिटीज होती है उनको पैदल जरूर चलना चाहिए। और अगर आपके घुटने से ही है, आपको घुटने की कोई समस्या नहीं है, तो पैदल चलने से अच्छा या तो आपको दंड बैठक लगानी चाहिए, या आपके घर में जितनी सीढ़ी है, मान लीजिए आपके घर में 15 सीढ़ी है, आपके घर में 20 सीढ़ी है, तो कम से कम आपको 20 बार 25 बार ऊपर नीचे होना चाहिए। क्योंकि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, हम स्टेप रखते हैं, तो हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है, और जब हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है तो इंसुलिन नाम का हार्मोन पैनक्रियाज ग्लैंड बनाएगी और हमारी डायबिटीज नॉर्मल हो जाती है। तो दोस्तों, आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप रनिंग करें, आप साइकिलिंग करें, आप स्विमिंग करें, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करें, और साथ में ये न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करेंगे, तो निश्चित ही आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कौन सा है ऐसा जबरदस्त ट्रीटमेंट। दोस्तों, पेशेंट को सीधा लिटाना है और हमें पेशेंट की साइड में बैठना है, और एक हाथ हमें इस प्रकार से रखना है और एक हाथ इस प्रकार से रखना है। ये न्यूरोथेरेपी के अनुसार पैनक्रियाज का पॉइंट्स है, यानी कि हम यहां से पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगे। तो देखेंगे, एक हाथ यहां रखा, एक हाथ यहां रखा, और हमें 6 सेकंड प्रेशर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हाथ उठाना, फिर वापस वहीं रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर हाथों को उठाना, फिर वापस वहीं रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये चौथा पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा छठा पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये हमारा दसवां पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमें एक बार ऐसे हाथ रखने के बाद 6 सेकंड दबाना है, और ऐसा हमें हाथ उठा उठा के 10 बार करना है। फिर हमें 1 मिनट गैप देना है, फिर दोबारा से यही पूरा राउंड दोहराना है, फिर 1 मिनट गैप देना है, और उसके बाद फिर पुनः ऐसा हमें 10 बार करना है। यानी कि ऐसे हमें 3 राउंड करने हैं, 1-1 मिनट के अंतर पर। उसके बाद पेशेंट को उल्टा लिटाना है, जहां ही हमारी रिब्स आती हैं, ये जो है बैक वाला जो एरिया है उसका लगभग ये वाला पॉइंट, यानी कि लगभग जो ये सर्वाइकल की वर्टिब्रा है उसके ये हमारा थोरासिक वर्टिब्रा का 8वां मनका है, और वहां हमें अपने हथेली को इस प्रकार से रखना है, और वहां हमें इस प्रकार से 6 से 8 बार इस प्रकार से दबाना है, और 6 से 8 बार इस प्रकार से दबाना है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें ये पॉइंट भी करना है। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज की समस्या हो गई है, उसकी वजह से उसका वजन बहुत कम हो रहा है, उसको टेंशन बहुत होती है, थकावट बहुत ज्यादा होने लगी है, तो सबसे पहले वो फिजिकल एक्टिविटी करे, कुछ एक्सरसाइज करे, आसन करे, योग करे, प्राणायाम करे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करे, और साथ में ये न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करें। और जो खाने में वो गलतियां करते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं तो नहीं खाना, तला हुआ ज्यादा खाते हैं, मैदा वाले चीज ज्यादा खाना पसंद करते हैं, फ्राइड खाना ज्यादा पसंद करते हैं, परहेज साथ में करें, तो आप देखेंगे दोस्तों कि कुछ ही दिनों के न्यूरोथेरेपी उपचार से और परहेज से, कुछ एक्सरसाइज करने से, जब हम ये सब मिलकर करते हैं तो निश्चित ही 100% उसको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। क्योंकि खाली हम कहें कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करें, बाकी आप कुछ भी खाएं तो आप ठीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। या आप खाना ठीक कर लें और ट्रीटमेंट ना करें तो भी कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि डायबिटीज जैसी बीमारी के लिए सब चीज बहुत जरूरी है।
ट्रीटमेंट भी जरूरी है, खान पीन भी जरूरी है, ठीक प्रकार से खाना भी जरूरी है और एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, जब ही डायबिटीज जैसी बीमारी को हम ठीक कर पाते हैं। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जो इंसुलिन पर थे, मेडिसिन बहुत दिनों से ले रहे थे, उन्होंने हमने उनको कुछ प्रिकॉशन बताई, एक्सरसाइज करने का तरीका बताया, खान पीन के बारे में बताया, उनको डाइट प्लान बताया और साथ में न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया। बहुत लोगों की इंसुलिन छूटी, बहुत सारे लोगों की मेडिसिन कम हुई, जो बहुत सारे दिनों से परेशान थे, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, बहुत निराश हो चुके थे, आज वो पहले की तरह अपना जीवन अच्छे प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों आप घबराए ना, आप निराश ना हो, आप खान पीन ठीक करें, एक्सरसाइज करें और न्यूरोथेरेपी उपचार से लाभ लें, तो निश्चित ही आपकी डायबिटीज हमेशा के लिए बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।